बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ मियांवाली से पूछ रहा है कि सुना है कि तोते का पर जला कर इसकी राख अगर कोई औरत अपने मर्द को जूस में मिला कर पिलाए तो उसका मर्द उस पर आशिक हो जाएगा, उसका दीवाना हो जाएगा, उसके बगैर नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पर इसने बोला है कि तोते का गोश्त खाने से मर्द में 10 मर्दों के बराबर कुव्वत आ जाती है। बेटा, जो तोता होता है इसको सब सब फलों से ज़्यादा जो फल पसंद है ये अमरूद है। तोते की उम्र 80 साल तक होती है। जो तोतला बोलने वाला मर्द हो या औरत हो वो तोते का गोश्त खा ले तो वो बोलना शुरू हो जाता है। तोते की एक, मैं आपको बात बताऊँ, एक समुद्री तोता होता है जो कि अपनी मादा से बहुत मोहब्बत करता है, अपने शरीक हयात के बगैर नहीं रह सकता। जब उसकी शरीक हयात मर जाती है तो वो भी साथ ही मर जाता है। दूसरे नंबर पर आपको मर्दाना ताकत के लिए आपने बोला है कि इसका गोश्त बहुत अच्छा है। मर्दाना ताकत के लिए इसका गोश्त इतना निजाम नहीं, अच्छा नहीं। मर्दाना ताकत के लिए मैं आपको एक शादी कोर्स बता रहा हूँ, अल सऊदिया का अकबर शादी कोर्स, अल सऊदिया का अकबर शादी कोर्स इस्तेमाल करें। अल सऊदिया का अकबर शादी कोर्स इस्तेमाल करने से मर्द में 10 मर्दों के बराबर मर्दाना कुव्वत आ जाती है। अल सऊदिया का अकबर शादी कोर्स बूढ़ों को जवान करता है। जो लोग शादी से डरते हैं वो अल सऊदिया का अकबर शादी कोर्स इस्तेमाल करें, साथ अल सऊदिया का मगरमच्छ तिला इस्तेमाल करें। हमारा एड्रेस नोट कर लें, अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन, अल अजीज़ सेंटर, लारी अड्डा, बदामी बाग, लाहौर। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 0304-5560-425। इस नंबर पर रबता करके अल सऊदिया का अकबर शादी कोर्स और तिला मंगवा सकते हैं। फिर नंबर नोट कर लें, हमारा व्हाट्सएप नंबर 0304-0304-2560-425। इस नंबर पर रबता करके अल सऊदिया का अकबर शादी कोर्स मंगवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपने पर वाली बात बताई है तोते के वाली, उसका तो मुझे नहीं पता। एक हमारे उस्ताद मोहतरम के पास बाबा पल्लू आता था तो एक औरत तो हमारे दुआखाने पर आई। उसने कहा कि साहब मुझे कोई ऐसा तवीज़ दें कि मेरा मियाँ बहुत लड़ता है। तो उस्ताद मोहतरम तवीज़ नहीं देते थे तो बाबा पल्लू साथ बैठा हुआ था। उसने कहा कि आप काले मुर्ग का पर लेकर इसको जला लें, इसकी राख अपने मियाँ को पानी या दूध में मिलाकर या जूस में मिलाकर पिलाएं तो वो आपका दीवाना बन जाएगा। लेकिन हमें यकीन नहीं था। कुछ दिनों के बाद वो खाला हमारे दुआखाने पर आई। उस वक्त मेरी भी उम्र बहुत कम थी, अब क्योंकि बाबे पल्ले को मोए हुए भी 20 साल गुजर गए हैं। तो मैंने उसको पूछा कि वो पर जो जलाकर आपने खावन को, खाला जी आपने पिलाया था, उसका क्या बना? उसने कहा कि जिस दिन का पिलाया है वो मुझसे नहीं लड़ा, जो मैं कहती हूँ वही करता है।